देखो देखो, अलर्ट आ रहा है ना, तो ये अलर्ट को अपन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो देखो अब सब लोग यहां पे देखें, हमने इनपुट पे क्या दे रखी है, एक आईडी सबको दिख रहा है यहां पे, ये इनपुट पे है ना, सब देख लो, इनपुट पे हमने दे रखा है एक आईडी यूजर नाम का, ठीक है, एक दे रखा है बटन पे आईडी ऐड बटन नाम का, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर, ये जावास्क्रिप्ट, ये अलर्ट को मैं हटा देता हूं, अलर्ट को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम फॉर्म, हम इसमें इनपुट टाइप करेंगे, ठीक है, हम इसमें जो भी टाइप करेंगे ना, कुछ भी राम कुछ भी सब ऐड करेंगे ना, तो डेटा हमारा उठ के कहाँ पहुंचेगा, टू डू डॉट जेएस के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट का डेटा गेट करना है, ठीक है, बटन के क्लिक करने पर इस इनपुट का डेटा गेट करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, डोम का, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, लिखा मैंने यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वही आईडी, और कौन सी आईडी लेके चलनी है, यूजर नेम, ये यूजर नेम, ठीक है। अब इस यूजर नेम में जो भी कुछ आएगा वो अपन किस में स्टोर कर लेंगे, एक स्टैक्स में, इसमें स्टोर कर देंगे। फिर इसके बाद बटन पे क्लिक करने पर, ये बटन पे क्लिक करने पर भी हमें ये डोम चलाना पड़ेगा यहां पे, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट कॉन्स्ट एड यूजर बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वही आईडी, और मैंने कौन सी आईडी ले ली इसमें अंदर, एड बटन, एड इसको बटन वाली ये ले ली इसमें आईडी, ठीक है। ये दो लाइन लिख लो आप लोग, ये दो लाइन सर ये नोट फाइल कर लें, अलग से बनानी पड़ेगी। ये बनी तो है फाइल, बनवाई तो थी लास्ट क्लास में, टू डॉट जीएस नाम से हाँ, ठीक बनवाई है। थी ना फाइल, एक लास्ट क्लास में टू डॉट जीएस नाम से एक फाइल बनी होगी आप लोगों की, उसमें अलर्ट हाँ लगा के हाँ चेक सर, करवाए थे ना, अलर्ट हटा दो, ये लाइन लिख लो, सब लोग को सर अच्छे से इसकी दिख रहा एचटीएमएल भाई। के कोड डालना, तो पिछले क्लास में सर था तुमने नहीं। पहले पहले किया नहीं था ये काम, ये अरे यार नो सर, पिछले क्लास में वीडियो था नहीं देखा मैं था, सर। वीडियो वीडियो देखे, वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो भाई मैंने वीडियो भी अपलोड किए थे ना ग्रुप के सर अंदर, वीडियो भी देखे थे, वीडियो मैंने भेजे थे ग्रुप में इसलिए सारे, जिससे कवर कर लेते, प्रोजेक्ट चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, है ना। तो हमने क्या किया, पहले एच टी एम एल, सबसे पहले बनाई थी एक फाइल टू डो डॉट जे एस नाम, एच टी एम एल नाम से, हमने उसमें एच टी एम एल का कोड लिख लिया, एक इनपुट ले लिया, इसमें आई डी में लिखा मैंने यूजर नेम, ठीक है, एक बटन ले लिया, बटन में लिख दिया मैंने एड यूजर, एक आई डाल दी, बटन पे क्लिक करने पे हम यूजर का डेटा गेट करेंगे, और एक बनाई फाइल मैंने टू डो डॉट जे एस नाम से, ये मैंने यहाँ पास कर दी, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करना होगा, मैंने डोम सिखाया था आप लोगों को, डोम का यूज करके यूजर नेम में जो आ रहा होगा वो इसमें स्टोर कर लेंगे, और बटन का इसमें डाल देंगे, ठीक है, बटन के क्लिक करने पर। अब बटन के क्लिक करने पर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑन क्लिक, सबको सिखाया था मैंने ऑन क्लिक फंक्शन, सारे लोग यस देखो, सर, एड यूजर बटन, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऑन क्लिक, और इस पर अपन एक एरो फंक्शन कॉल करेंगे इक्वल, सिखाया था एरो फंक्शन। अब क्या होगा, बटन के क्लिक करने पर, जैसे ही बटन क्लिक होगा इस पर ऑन क्लिक चल जाएगा,
ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला, ये डेटा गेट कर लेंगे अपन, ठीक है। बटन के क्लिक करने पर अपन क्या कर रहे हैं, ये यूजर नेम का डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अब लिखा कॉन्स्ट नेम इक्वल टू यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। जैसे ये बटन, आपको बटन दिख रहा है, ये बटन पे क्लिक करोगे, ये बटन पे, तो ये ऐड बटन वाली आईडी चलेगी, इससे ये यहाँ पे आ जाएगा इस बटन पे, इससे ऑन क्लिक चलेगा, और यूजर नेम में जो भी कोई छुटके आ रहा होगा वो अपन इसमें रख लेंगे नेम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपन लगाया अलर्ट और लिखा यहाँ पर नेम नेम। अब चेक करेंगे, अब अपन यहाँ पर डेटा भरते हैं, देखो डाला मैंने राम और बटन पर क्लिक किया, देखो राम उठ के आ गया, उठ के आ गया राम। ये कौन सा काम हुआ, डेटा गेट करने वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बटन के डेटा को गेट करना डोम की मदद से, आपको मैंने सिखाया था, मैंने लिखा राज, ऐड बटन पर क्लिक किया और देखो राज आ गया। क्या हो रहा है, बटन के क्लिक करने पर हम डोम की मदद से डेटा गेट कर रहे हैं, है ना। आप लोग चेक करें, आप लोग चेक करें डेट क्या रहा, कहीं आ रहा, यस सर आ रहा है, ठीक है। बाकी लोगों का डेटा आउट क्या आ रहा है, सही सी लिखना आप लोग, सही सही। हाँ सर हो रहा है, मैं दे रहा हूँ चैट, मैं चैट में दे देता हूँ, अगर आप लोग सही लिख पा रहे हो तो मैं आपको चैट में सेंड कर देता हूँ। हेलो चेक करो, आ रहा है सब काउट के, बाकी लोग बता दें आ रहा कि नहीं आ रहा, बैच में और भी लोग तो हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। अब डेटा को किसी ना किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा, एसटीयूआई स्टोर, तो मैं लिखा कॉन्स्ट यूजर एरे, ठीक है। अपन डेटा किसमें स्टोर करेंगे, यूजर एरे के अंदर, मैं कहता हूं लेट, लेट कर देता हूं लेट। हमने बनाया एक वेरिएबल यूजर एरे नाम का, चलो एक बनाया हमने वेरिएबल यूजर
एरे नाम का, जिसमें हम क्या करेंगे अपना डेटा स्टोर। अब एरे क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो हमने इसलिए एरे के अंदर, एरे के अंदर डेटा जो स्टोर होगा ना वो ऑब्जेक्ट में होगा इस तरीके से, ठीक है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है, डेटा इसमें स्टोर करना है। तो अब इसमें डेटा कैसे पहुंचाएंगे, सबको याद होगा डेटा मैंने लिखा पुश, तो कैसे लिखते हैं अपन डेटा पुश, कैसे करते हैं सर जानते हो, यूजर एरे डॉट पुश, सीखा था आपने पुश मेथड। पुश क्या करता है, डेटा पुश करेगा इसके अंदर लास्ट में, यस ऐड होगा एंड में, ऐड होगा एंड में, जानते हो। और डेटा जो जाएगा ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगाया ऑब्जेक्ट का साइन। इस एरे में डेटा जाएगा ना कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा देखो नेम कोलन राम, ऐसे डेटा जाएगा एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट डेटा जाएगा इस तरीके से, ठीक है समझ आ गया। इस तरीके से हमें क्या करना है, वहां पे डेटा को पहुंचाना है किस फॉर्मेट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे सिंगल कोट में, नेम, नेम हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, कोलन ये नेम उसकी वैल्यू हो गई, ये नेम वाला नेम, ये वाला नेम, ठीक है। और ये की हो गई और इसकी वैल्यू हो गई, किसमें पुश कर रहे हैं अपन, इस यूजर एरे के अंदर, किसमें पुश कर रहे हैं अपन इस यूजर एरे के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं क्या नाम है, कंसोल चेक तो कर ले डेटा पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूजर एरे, है ना, ये बात समझ में आ गई पुश कैसे हो रहा है, ये की है उसकी, की कोलन वैल्यू को, वैल्यू में नेम डेटा क्या आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो मैं रिफ्रेश किया, स्पेक चालू कर लेता हूं और आपको दिखा रहा हूं डेटा पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो राम लिखा, देखो सब लोग आगे था, देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में जीरो पे आ गया राम, देखो नेम और राम, रोहित देखो सब देखे नेटा, जीरो पे नेम में राम आ रहा है, yes, और वन पे रोहित आ रहा है, देखो डेटा स्टोर हो रहा है, देखो पुश हो रहा है डेटा, यस सर, है ना। तो आप लोग करो उसको और चेक करो पुश हो रहा कि नहीं हो रहा आप लोग डेटा, सब लोग को पता है कि फुल स्टैक का कितना क्रेज चल रहा है इस मार्केट में। अब देखो मैंने यहां पे लिखा राम, ऐड किया, देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में दिखाता भी हूं कि देखो भाई ये कर रहा हूं, देखो एरे के अंदर आ रहा है, देखो जीरो जीरो इंडेक्सिंग वैल्यू आ रही है, नेम में की और वैल्यू आ रही है, हमने डेटा किसमें स्टोर किया एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में नेम और की में। देखो दूसरा करता हूं रोहित, देखो देखो आ रहा है नेम राम, नाम रोहित आ रहा है, ये सब जानते हो सब सिखाया था, एरे के, एरे में डेटा जीरो वन के फॉर्मेट में स्टोर होता है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो इन चीजों को अपनी आंखों में कैद कर लो, बसा लो, अगर कोडिंग की दुनिया में कदम रखना है तो इनकी अब आदत डाल लो, थोड़ा घड़े पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, सब एक प्रॉब्लम देखें क्या आती है, देखो अब प्रॉब्लम देखो यहां पे जी, डेटा आ गया यहां पे, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं डेटा चला गया, सब देखो जैसे मैंने डेटा इंसर्ट किया ऐड किया डेटा यहां पे आ गया, अभी आगे चल के मुझे डेटा डिस्प्ले भी कराना होगा यहां पे, देखो मैं यहां पे आता हूं इसी के नीचे ये लेता हूं टेबल,
आगे चल के हमें डेटा टेबल में शो भी कराना होगा। देखो मैं डिजाइन नहीं बना रहा, बिल्कुल सिंपल समझा दिखा रहा हूँ। TH में ID, नेम, TH में एक्शन, ठीक है। देखो तो दिख रहा है यहाँ पे डेटा शो होगा, नेम आएगा, आईडी नेम उठ के आएगा यहाँ पे, इस तरीके से दिखाता हूँ। आगे चल के डेटा शो भी कराना होगा मुझे, तो डेटा इंसर्ट होगा ना, वो डेटा डिस्प्ले भी होगा। राम यहाँ पे एक्शन में होगा, एक्शन में करेंगे व्यू या एडिट और डिलीट। देखो सब देखो, अब देख रहे हो यहां पे, यहां डेटा में भरूंगा ना, डेटा यहां पे उठ के आएगा यहां पे इस जगह पर, ठीक है। जैसे इंसर्ट होगा वैसे यहां पे डेटा डिस्प्ले होगा, फिर डेटा वो एडिट होगा डिलीट होगा, इसी को बोलते हैं इंसर्ट करना डिस्प्ले करना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। देखो डेटा इंसर्ट किया, डेटा यहां पे आ गया, मगर हो कह रहा है कि जैसी मैं रिफ्रेश करता हूं वैसी डेटा चला जाता है कंसोल से। फिर देखो, फिर दिखाता हूं, फिर एंटर किया, फिर देखो अब नया डेटा आ रहा है, पुराना चला गया। देखो फिर रिफ्रेश किया, फिर देखो चला गया, फिर नया कोई एंटर करूंगा तो नया आ रहा है कोई। देखो देखो अब पुराना कहां गया, चला गया, मतलब रिफ्रेश करने पे पुराना डेटा चला जाता है। सबको बात समझ आ रही है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। हमारा डेटा इंसर्ट तो हो रहा है मगर डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अगर बना समझ में आ गया ना और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो हमने आपको पढ़ाया है। इसलिए मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे आपका थोड़ा बेस बन जाए, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जिससे जब MongoDB स्टार्ट हो, Node.js स्टार्ट हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें कोई MongoDB तो यूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ना कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, तो हम डेटा कहाँ स्टोर करेंगे। हम देखो अब इस पर हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, हमने आपसे कहा था ना ये पूरा स्पेक्ट एलिमेंट हम लोगों के लिए बना हुआ है, तो इसमें होता है एप्लीकेशन के अंदर। देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है लोकल स्टोरेज, हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे। आप लोग भी क्लिक करके चेक कर लो, एप्लीकेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे आ रहा होगा लोकल स्टोरेज। देखें यहाँ के हम जो डेटा स्टोर करेंगे ना वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। आप लोग चेक करें स्पेक्ट एलिमेंट में, आप सबके में दिख रहा होगा लोकल स्टोरेज। दिख रहा है सबके में लोकल स्टोरेज? हाँ, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो आप सबके में आएगा। देखो लोकल स्टोरेज, सेशन, ये सब यूज में आते हैं, सेशन, कुकीज, ये सारी चीजें यूज में आती हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं यूजर डेटा भर के सबमिट करूँ ना, वो डेटा हमें इस लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। अब लोकल स्टोरेज की एक खासियत है, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, क्या पूछेगा कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है। तो आपको दिख रहा है, देखो यहां पे की और वैल्यू दिख रहा है ना, की और वैल्यू, और दूसरा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होगा। की वैल्यू में तो हो गई होगा, साथ में लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। और अभी डेटा अपन किस में स्टोर कर रहे हैं, देखो मैं भरता हूं, सब देखो जी किस फॉर्मेट डेटा आ रहा है हमारा, बताओ हम लोग अभी डेटा हमारा किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है,
देखो कंसोल में दिख रहा होगा। हाँ एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में। भाई मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ो पढ़ो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, आपको दिख ही रहा सबको यहाँ पे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। मैं बेबे कह के चल रहा हूँ कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे देखो दिख रहा है साइन ये एरे का, पढ़ाया था ना और ये लगा रखा है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हो रहा है। यहाँ कंसोल में आपको दिखा भी रहा हूँ कि देखो डेटा हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। बस यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिफ्रेश करने पर डेटा चला जाता है, इसलिए हमें डेटा कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर। इससे क्या होगा, हमारा डेटा जाएगा नहीं क्योंकि अभी हम कोई मोंगोडीबी यूज नहीं कर रहे ना, समझो चीजों को आप सब लोग। लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, दूसरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। अब हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में हो रहा है, तो अब मुझे आप सब बताएं जो ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिखा चुका हूं आप लोगों को, बताएं रोहित, अगर रोहित निगम ऑब्जेक्ट के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जोनसन सेरेन जॉनसन किसका यूज करते हैं, दीप्ति आर्यन, हिमांशु, अवनीश, अंकित, अमन, ऑब्जेक्ट के डेटा को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था आप सबको मैंने, पढ़ती नहीं यार आप लोग, यार क्या फायदा मैं प्रोजेक्ट कराने से। ऑब्जेक्ट के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कुछ दिन बाद आप बोलोगे कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा प्रोजेक्ट, सर हमारे बाउंस हो रहा है, सर हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर कहां से होगा आपको कुछ पता ही नहीं है। सर उससे करते हैं जेसन, सर जेसन जेसन में कन्वर्ट करते हैं ना, यस सर। हाँ जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं, ये पढ़ाया था यहाँ पे देखो, यस सर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जी सर पढ़ते नहीं है जी, देखो जी देखो ये पढ़ाया था ऑब्जेक्ट में, तो बताया भी था आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट को हम ब्राउजर पे, पढ़ाया था सबको, ऑब्जेक्ट को हम ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करने के लिए जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करना होता है। भाई पढ़ लो वैसे रिसेशन चल रहा है कितना, मतलब आप लोग छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं, मैं बेस ही कम कम पढ़ाता हूँ, पहली बार ऐसा बैच लग रहा है कि जिसमें बच्चे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हो, मैंने पूछा डेटा किसमें स्टोर हो रहा है, आप लोग ये नहीं बता पा रहे हैं मुझे, बताओ तो दिखा रहा हूँ सामने साफ साफ आप लोगों को, भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं टीचर एक घंटे पढ़ा सकता है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपका भला होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूं, आप वेडनेसडे को पढ़ के आए जावास्क्रिप्ट पूरा, वरना आपके सब चीज बाउंस जाएंगी ऊपर से, आपके सब चीज बाउंस जाएंगी ऊपर से, क्यों आए आयुष लमे, हमने आप लोगों से बोला था इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के आने, आप लोग पढ़ के आए हो सारे लोग, चलो अब देखो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने अब डेटा ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई का। तो अब हमें क्या करना होगा, डेटा को कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर, जो आपको दिख रहा है एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, आप इसमें स्टोर कर लेना एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में। तो अब बनाते हैं एक फंक्शन, फंक्शन सेव डेटा नाम का, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है जी, आप पास कर दिया ठीक है, और सेव डेटा को अपन कहां कॉल कर देते हैं, इसके अंदर से, यहां से देखो फंक्शन हमने पढ़े थे ना, है ना फंक्शन पढ़े ना,
हमने बनाया yes. एक फंक्शन सेव नाम का, हमने देखो सिंपल बनाया एक फंक्शन सेव डेटा नाम का और इसको यहां से कॉल किया, तो कोड ऐसे चलेगा, कोड ऐसे चलेगा ऐसे, फिर फंक्शन कॉल होगा, यूजर नेम में जो भी कुछ होगा वो यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर मैं कंसोल करूं, देखो कंसोल डॉट लॉग, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब मोंगो डीबी नोड जैसे सीख है ना, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं, हम फुल स्टैक पे तो आए नहीं अपन लोग अभी, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहे हैं। बस देखो मैं लिखा राम, देखो आगे डेटा कहाँ आ रहा है, आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया सेव डेटा नाम का, और इस फंक्शन को हमने कहाँ कॉल कर रखा है, इसके अंदर। अब इस पे मैं क्या करूंगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डेटा को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यही तो करना पड़ेगा सारे लोग। यस पहला काम हमारा यही तो है कि डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट से। तो देखो तो मैं लिखता हूं लेट str इक्वल, क्या बताया था आप लोगों ने, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें लिख दिया मैंने यूजर एरे, लिख दिया। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर str, ठीक है आप चेक कर लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंग भाई क्या करेगा, जो इसमें ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा ना वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा। अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा स्टोर करना है इसमें लोकल स्टोरेज में, इसमें लोकल स्टोरेज में। अब लोकल स्टोरेज कहता है कि भैया आप डेटा स्टोर भले कर लो, मगर वो डेटा एक तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी होना चाहिए। मगर हमारा जो डेटा स्टोर है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देखो दिख रहा है, एरे के फॉर्मेट में है ना, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। लोकल स्टोरेज में स्टोर, अब लोकल स्टोरेज में स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब डेटा हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, अपन कोई बैकएंड तो यूज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसको आप दोबारा बनाना, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आप दोबारा फिर से बनाना घर पे बैच के बाद। देखो अब देखो आगे स्ट्रिंग में, सब देखो देखो आगे स्ट्रिंग में, देखो नेम पे भी डबल कोट आ गया, राम पे भी डबल कोट आ गया, रोहित देखो दिख रहा है स्ट्रिंग में आ गया ना, तो आप लोग भी नोट करो, आप सही से नोट करना है मानसू, कोट सही नोट करना है मानसू सर।
सब नोट कर लें। सबने चेक किया? बस स्क्रॉल करके ऊपर कीजिएगा प्लीज। लो इतना है। और कंसोल में सब चेक करना, डेटा स्ट्रिंग में गया कि नहीं गया। यस सर जा रहा है। यस सर जा रहा है सर। जा रहा है? यस सर जा रहा है सर। बाकी लोगों का? हाँ सर जा रहा है सर। स्ट्रिंग जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर स्ट्रिंग में कोई पूछेगा, कोई पूछे हो रहा है ना, तो कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आपको याद रखना है जेसन स्ट्रिंग पर। इतने कोड में कोई दिक्कत तो नहीं आई? इतने कोड में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। बाकी लोगों को ऐसा कोई जिसका इतना कोड ना चलाओ तो पूछ ले। चल गया। कोई पूछ ले जिसका इतना